दुनिया इन दिनों खतरनाक महामारी कोरोना के साए में है। देश में इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है, लोगों से उनके घरों में रहने को कहा गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग पहले से भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हर छोटी बड़ी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँच जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती है जो सच नहीं होती। ऐसे ही हाल ही में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर कई बातें चल रही हैं, उनमें से कुछ सच हैं तो कुछ बिल्कुल झूठ हैं। ऐसी ही एक बात है, या ये कहें कि मैसेज है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि गांव में एक व्यक्ति को एक औरत मिली जो काली माँ का रूप धरे हुई थी। उस औरत ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं माँ काली हूँ और कोरोना का अंत करने के लिए धरती पर प्रकट हुई हूँ। इस मैसेज में आगे लिखा हुआ है कि इसे 5 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा और अगर नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, जब दुनिया ऑलरेडी इस कोरोना से डरी हुई है तो उस बीच अगर ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाया जाएगा तो लोगों का डर बढ़ना तो वाजिब ही है। हम आपको बता दें कि हम यहाँ भगवान पर सवाल नहीं उठा रहे, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार का मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है उसमें कोई भी तथ्य सच नहीं है। ये तो हुई एक बात। हमने कहा ना कि सोशल मीडिया पर कई सारी बातें चल रही हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि कोरोना टेम्परेचर बढ़ने के साथ खत्म हो जाएगा। और जिस हिसाब से भारत का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में तापमान काफ़ी ऊँचा भी होने वाला है। इसी के चलते लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि हम आपको बता दें कि WHO और ICMR की सर्च के मुताबिक कोरोना वायरस सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में फैल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी से इस वायरस के खत्म हो जाने का कोई भी संबंध नहीं है। इस वायरस से बचने का सीधा सा तरीका है कि इसके सामने ना आए, इसके संपर्क में नहीं आए, संक्रमितों से दूर रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपने घर में रहें और खुद और दूसरों को इस महामारी से सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर ऐसी ही कई भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं जिनकी सच्चाई कुछ और ही है। महामारी के इस दौर में जहां लोगों में पहले ही दहशत बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की बातों से लोगों में डर का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, पहले सत्यता का पता लगाएं और फिर आगे बढ़ें। इस तरह की तमाम जानकारियाँ हम आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा, आप देखते रहिए घमासान.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.